नमस्कार मित्रों, आज फिर लौटेगा आपका भाग्य आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने प्रोग्राम भाग्य मंथन में। मैं ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर। ईमेल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त जन्म कुंडलियों में से हमने आज जो एक जन्म कुंडली चुनी है, उस भाग्यशाली जातक का नाम सुरेंद्र बिष्ट है, जो कि पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। नमस्कार गुरु जी, मैं 4-5 साल से बहुत परेशान हूं। जो कार्य करने निकल रहा हूं खराब हो जा रहे हैं। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पेट में अचानक से पीड़ा उठती है, फिर ठीक हो जाती है। डॉक्टरों को बहुत दिखाया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कृपया मेरी समस्या का कोई समाधान बताएं। मेरा जन्म विवरण, नाम सुरेंद्र बिष्ट, जन्म दिनांक 25/1/1984, जन्म समय 11 बजे शाम, जन्म स्थान पौड़ी गढ़वाल। आइए सोहन जी, आपका फलित विभाग देखते हैं। सोहन जी, आपका जन्म नक्षत्र स्वाति है, चरण चौथा। नक्षत्रवाद चरण के हिसाब से आपका जन्म नामक्षर ता है। सुरेंद्र जी, आपका जन्म लग्न कन्या है जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं। वह आपकी जन्म राशि जो चंद्र जन्म राशि है वह तुला है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह हैं। प्रश्न का जो कारक भाव है कुंडली से वह है लग्न भाव व दशम भाव, अर्थात तबियत व कार्य। कारक ग्रह, लग्न का स्वामी व चंद्र राशि का स्वामी व दशम भाव का स्वामी कारक ग्रह होता है यहां पे। महादशा, आपकी अभी शनि की महादशा चल रही है जो कि कुल 19 वर्ष की होती है। 27/11/2002 से शुरू होकर यह 27/11/2021 तक चलेगी। आइए अब जानते हैं बाधक योग के बारे में। पहले यह जाने बाधक योग होता क्या है। जब कोई ग्रह किसी इच्छा के उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसे ग्रह को बाधक ग्रह कहते हैं, व ऐसे ग्रहों के जो योगा योग बनते हैं उन्हें बाधक ग्रहों से बने हुए योग कहते हैं। पहला बाधक योग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जन्म राशि तुला है और तुला पर अभी 7.5 चल रही है। हर कार्य में असफलता होने का एक बड़ा कारण है, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वह किसी भी कुंडली में जो कर्मों का फल मिलना होता है उन्हें धीमा कर देती है, बिल्कुल स्लो कर देते हैं, जिसके कारण कि आपको रिजल्ट मिलने बंद हो जाते हैं, वह इसका शरीर पर भी बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए आगे चलते हैं दूसरे बाधक योग की तरफ। जन्म कुंडली में मंगल शनि चंद्रमा का योग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष उत्पन्न कर देता है, खास तौर पर मंगल व शनि, क्योंकि मंगल जो है वह एक तेज ग्रह है, दौड़ने वाला सेनापति, वह जो शनि ग्रह है वह सबसे अंतिम उसमें बैठे हुए हैं कक्षा में और बहुत स्लो हैं। जब ये दोनों चीजें मिलते हैं तो व्यक्ति जो होता है वह काम तो करता है गधे की प्रकार, पर उसको जो रिजल्ट मिलने होते हैं वो नहीं मिल पाते। तो मंगल और जो शनि का योग है यह एक बहुत ही खराब बाधक योग है कार्य क्षेत्र के लिए। तीसरा बाधक योग, लग्नवार राशि के स्वामी का शत्रु घर में जाकर बैठना शरीर से संबंधित कष्ट देता है, अर्थात जो आपके लग्न का स्वामी है वह अपने घर में बैठा ही नहीं है, वह शत्रु जो है उसके जाके घर में बैठ गया, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तबीयत खराब होने का जो मेन कारण है वो क्या है। आइए देखें निष्कर्ष क्या निकलता है आपकी कुंडली को देख के। सुरेंद्र जी, आपकी कुंडली में अभी भी 7.5 चल रही है, जैसा कि हमने आपको अभी ऊपर भी बताया कि 7.5 मुख्य रूप से आपकी दोनों समस्याओं का कारण है, स्वास्थ्य भी और कार्य भी। जो कर्म क्षेत्र में आपको बाधाएं आ रही हैं, जो कार्य आपके बहुत ही धीरे धीरे हो रहे हैं और रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं, उसका मुख्य रूप से जो कारण है वह 7.5 है। आपके 5 से 6 साल जो अभी पीछे निकले हैं वह बहुत ही कष्ट में निकले हैं, यह हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं आप कितने परेशान रहे होंगे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से। परंतु आपके लिए अब एक अच्छी खबर यह है कि अब आपका जो आगे का समय है वह बहुत अच्छा है और आप आगे बहुत तरक्की करेंगे और आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं स्वास्थ्य से लेके पेट से रिलेटेड लेके वह धीरे धीरे करके अब सही होने लगेंगी व आप स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह से। आपकी दोनों समस्याओं के निदान हेतु हम कुछ उपाय लेके आए हैं जो कि इस प्रकार हैं। आइए जाने ध्यान से सुने। पहला जो उपाय आता है वो मंत्र शास्त्र से आता है, लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः का जाप पूरे दिन मन ही मन में करें। दूसरा उपाय यह यंत्र क्षेत्र से आता है, पूर्व दिशा में बुध यंत्र स्थापित करें व रोज यंत्र पर पुष्प चढ़ाएं व साथ में दुर्वा भी चढ़ाएं थोड़ी सी। तीसरा उपाय आता है रत्न क्षेत्र से, 5.25 रत्ती का पन्ना गोल्ड में धारण करें बुधवार के दिन, शुक्ल पक्षीय बुधवार होना चाहिए याद रहे आपको। चौथा उपाय आता है रुद्राक्ष के क्षेत्र से,
राहु के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करें व किसी भी शुक्ल पक्षीय सोमवार के दिन सुबह 7:45 पर उसे धारण करें और मंत्र उच्चारण करें ओम नमः शिवाय। पांचवा उपाय आता है, मैं आपको एक टोटका देना चाहता हूं आपके कार्य व स्वास्थ्य के लिए, ध्यान से सुने। मंगलवार के दिन बाहर का भोजन कभी ना करें, चाहे कैसी भी समस्या हो बाहर का भोजन ना लें। छठा उपाय आता है पूजा व अनुष्ठान से, सत्यनारायण की पूजा आपके लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी व लक्ष्मी चालीसा का पाठ रोज पढ़ें। दोस्तों, भाग्य मंथन में हर रोज हम एक जन्म कुंडली का मंथन करते हैं व अंत में उनकी समस्याओं का उपाय बताते हैं। यदि आपकी समस्या भी बताई गई जन्म कुंडली जैसी है तो आप भी इन अचूक व सटीक उपायों को कर इनसे लाभ उठा सकते हैं, या फिर अपनी जन्म कुंडली के विस्तृत रूप से मंथन के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे ईमेल या मोबाइल नंबर पर अभी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलिए मुझसे भाग्य मंथन में और बदलें अपना भाग्य मेरे साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।